राधे राधे गुरु जी। जी जी, मुझे जानना है कि क्या हम ससुर के पांव छूने चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, ससुर पिता तुल्य है, ससुर के पांव बहू छू सकती है, कोई बुराई नहीं है। जैसे बोलते हैं कि बेटी समान होती है, और हमारे पापा बोलते हैं कि बेटी लोग पांव नहीं छूते, तो ससुर भी तो पापा ही हुए ना। ससुर पिता हैं, बहू और बेटी में इतना अंतर है कि बेटी वो है जो जन्म दी है, ये बहू है, इसलिए रिश्ते दो हैं। यदि दोनों एक होते तो फिर एक ही होती ना बहू, फिर बेटी, बहू और बेटी दो रिश्ते हो गए ना। इसलिए जो मर्यादाएं हैं उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ आज तक जो मर्यादा मैंने देखी है कि ससुर के पांव बहू छूती है, जो मैंने अभी तक देखा है, और सही है, इसलिए छूती है क्योंकि ये परंपरा चली है। जो परंपरा सही है उन्हें चलाना है, जो गलत है उन्हें स्टॉप करना है। बहू है वो, उस घर की बहू है, उस घर की बहू फिर बेटी मान के आप रखें, प्यार इतना दें कि वो बेटी की तरह रहे, बाद में भले ससुर ये चाहे कि अब तुम हमारी बेटी हो, पांव छूने की जरूरत नहीं है, वो समझ ससुर की समझदारी पर निर्भर करता है कि वो छुबाता है या नहीं छुबाता। तो वो बाद का वो मैच्योर है यदि ससुर कि नहीं तुम तो मेरी बेटी की तरह हो, तो दशरथ जी नहीं छुबाते थे पांव क्योंकि वो बेटी मानते थे। पर हर घर में ये बात लागू नहीं होगी क्योंकि हर ससुर अपनी बहू को बेटी माने, मान ले तो इससे बढ़ के कुछ नहीं है, पर बहू ही मान ले ठीक से तो भी कल्याण है। राधे राधे गुरु जी। जी, मैंने आपका YouTube पर कथा सुना परसों और आज आपको मिलने आ गया। पहली बार सुने थे? जी। वाह, खुश रहो, बताओ क्या हम सेवा करें आपकी। मेरा लड़का 5 साल का हो गया, अभी तक ना बोलता है और ना खाता है। खाता नहीं है मीन्स बिना खाए कैसे? उसको जबरदस्ती दूध पिलाया जाता है पकड़ करके। कहाँ है बच्चा? यहाँ तो नहीं है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं, क्या दिक्कत है उसको? जांच में कुछ निकल नहीं रहा है। बोलता बाकी आपको काम ना, उधम करता, खेलता है, सोच अपने आप करता है और दूसरा काम नहीं करता है, अपने दुनिया में रहता नहीं है। खेलता है बच्चों के साथ? बच्चों के साथ खेलता है पर वो अपनी दुनिया में रहता है। चलो भगवान ठीक करेंगे उसको, थोड़ा आप लोग और एक्टिव रखो, खिलाया करो, थोड़ा बच्चों के संग रखा करो, बच्चों के साथ साथ बच्चों में घुल मिल के वो खेल है, बताए। बात करता है नहीं करता? नहीं गुरु जी, बात नहीं करता, मतलब वो ऐसे बोलता कुछ है, तो बोलता होगा। हाँ, ऐसे बोलता है, मतलब वो एक जांच में कुछ निकल भी नहीं रहा है, ऐसे अपने आप बोलता है कुछ कुछ, जब मम्मी पापा अपने आप बोलता है। बोलता है तो धीरे धीरे, कई बार बच्चे लेट बोलते हैं, कुछ बच्चे हो सकता उसकी ग्रोथ लेट हो पर होगी, हो सकता, भगवान ठीक करें, भगवान से ही प्रार्थना, अच्छा करें उसे। राधे राधे गुरु जी। जी भैया। गुरु जी मेरा प्रश्न है कि सुभद्रा जी किसका रूप थी? सुभद्रा जी किसका स्वरूप थी? हाँ जी, भगवान की बहन है सुभद्रा माता, और हर नारी लक्ष्मी स्वरूपा ही होती है। हाँ जी गुरु जी। तो लक्ष्मी स्वरूपा ही है ना नारियाँ, इसलिए इस भाव से वो लक्ष्मी स्वरूपा ही हैं। तो गुरु जी एक और प्रश्न है कि जैसे डायनासोर का उल्लेख हमारे वेद पुराण में है कि नहीं? डायनासोर का उल्लेख नहीं है। तो क्या गुरु जी, पर डायनासोर का, अब देखो जिसे हम डायनासोर कह रहे हैं उस जमाने में उसे कुछ और नाम से पुकारा, जैसे मैंने रामचरितमानस के लंका कांड में जब राम सेतु बना तो वहाँ उल्लेख है, जब राम जी सेतु के लिए, जब सेतु पर चले तो समुद्र में इतने बड़े बड़े जानवरों का उल्लेख है रामायण में कि जो एक साथ 50 हाथी खाने की ताकत रखने वाली मछली, अब एक साथ वो 50 हाथी खा सकती, समझिएगा एक साथ वो कितने हाथी खा सकती है? 50 और वो 50 हाथी खाने वाली मछली अब कितनी बड़ी होगी? उस मछली को भी खाने वाली उससे बड़ी मछली थी लिखा है, मतलब बड़ी बड़ी जीव का वर्णन है। हाँ, डायनासोर का नाम नहीं उसमें लिखा, मेंशन है कि डायनासोर, परंतु इतने बड़े बड़े जीवों का उल्लेख है लंका कांड में, आप पढ़ सकते हैं। हाँ जी, मतलब बड़े बड़े जानवर, बहुत विशाल। धन्यवाद गुरु जी। जी, जी, जी।